ये रास्ता नूरिस्तान हाँ, को जाता है। जो ये दर्रा जो जाता है ना, हाँ ये ना आप सुबह जब निकलेंगे तो शाम को आप नूरिस्तान पहुंच जाएगी. Assalamualaikum and very good morning from very good afternoon from चित्राल गरम चश्मा. गरम चश्मा से इस वक्त हम निकले हैं शाह सलीम के लिए और शाह सलीम से फिर हम जाएंगे देवाली गांव गबोर वैली और गबोर वैली से फिर हम जाएंगे दोरा पास पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर. यहां से बताया ये गया है कि तकरीबन को 18 से 19 किलोमीटर है शाह सलीम गरम चश्मा से, तो जिसके लिए वो कह रहे हैं कि आपके समझे को घंटा सवा घंटा डेढ़ घंटा लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड. हमारी स्पीड से आप समझे 20 किलोमीटर जो है ना वो डेढ़ घंटा ही हमें लगेगा. तो डेढ़ घंटा जाने का टेम्परेचर यहाँ पे रीज़नेबली ड्रॉप हो गया है और टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से आप समझे हमें थोड़ी सी ठंड भी लग रही है. पहले हम चप्पल चप्पल पहन के फिर रहे थे लेकिन अभी ठंड का माहौल बन चुका है यहाँ पे. साथ साथ ये लेफ्ट पे हमारे चलता जाएगा दरिया लटको और रुकी 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 यहाँ से हम कुछ ले लें वाला खाने को. तो हम निकले हैं इस वक्त गबोर वैली के लिए. ये गरम चश्मा से आगे गांव आया रास्ते में, तो यही रास्ता है आगे साथ साथ जाता, कहीं से वैली ब्रॉड हो जाएगी कहीं से तंग हो जाएगी, तो इसी के ऊपर चलते चलते हम निकलेंगे इंशाल्लाह जाके गबोर वैली शाह सदीम और क्या बोलते हैं उसको दिगाली गांव. 1 2 3 भाई जान आप रास्ते का मजा लें. ये ऊपर से आप देखें कितने दरख्त हैं, ऊपर बादल आ गया है, टेम्परेचर इस वक्त सिंगल डिजिट हो गया है. मैंने चप्पल पहनी हुई है और इस रास्ते के ऊपर ये गांव है जी परा बेग, वहाँ से इसमें गुजर रहे हैं. ये इसका दरख्त है अखरोट का और ये सारी वैली जो है ना ये तगाई खूबसूरत है. नीचे दरिया चल रहा है लटको, तो लटको के साथ साथ ऊपर हम हैं मटको. ये भाई जान यहाँ पे कुछ बीज रहे हैं, आलू लगा रहे हैं. हाँ आलू लगा रहे हैं. यस 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 ये आलू की बुआई हो रही है. ये देखिए ना जी ये अपना माहौल इन्होंने बनाया हुआ है. हाँ वापसी आने आते ना को खाने हैं चेरी चेरी ब्लॉसम. अल्लाह अकबर परावेग यहाँ पुलिस चेक पोस्ट है जी परावेग में और उसके आगे फिर अभी तक दौरा पास की जाने चल रहे हैं. वो उस साइड पे हमने जाना है, वो जो वैली है ना उधर को देखते हैं आगे और कितना रास्ता. अभी तो हमने 10-15 मिनट किया तो भी प्रिसाइज उस साइड पे हम जाएंगे, वो जो पास आपको नजर आ रहा है ना उस साइड से निकलेंगे. अफगानिस्तान के बॉर्डर के सफ़र में हम इस वक्त पहुंचे हैं बिरजीन वैली. इस जगह का नाम है बिरजीन. ये देखें पानी साथ चल रहा है अल्लाह रास्ते के बिल्कुल साथ साथ और इतना खूबसूरत रास्ता, ऊपर ये दरख्त हैं साथ. क्या बंदा इसकी तारीफ करे अल्लाह की सन्नाई की. अल्लाह कुरान में फरमाता है वल्लज़ी खलक लकुम वल्लज़ी खलक सबा समावात तिबाका मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत फरजिल बसर हल तरा मिन फुतूर. अल्लाह वो है जिसने सात आसमान पैदा फरमाए ऊपर नीचे, तू नज़र दौड़ा के देख ले तू अल्लाह की कारकर्दगी में कहीं कोई तफावुत तुम्हें नज़र नहीं आएगा. अल्लज़ी खलक सबा समावात तिबाका अल्लाह वो है जिसने सात आसमान ऊपर नीचे पैदा फरमा मा तराफी खल्क रहमान मिन तफावुत, तू अपने रहमान की तखलीक में किसी किस्म की कोई तफावुत नहीं मिलेगा तुम्हें. मा तराफी खल्क रहमान मिन तफावुत
फर्ज इल्बसर हल तरा मिन फुतूर, तू नज़र दौड़ा के देख ले, तुम्हें कोई इस तरह की बात नज़र नहीं आएगी, तेरी नज़र ना काम और ना मुराद वापस आएगी। सुम मर्ज इल्बसर कर रते नहीं के लिए इल्बसर बादशाह, तुझे अगर कोई शक है तो एक दफ़ा दोबारा नज़र दौड़ा के देख ले, तेरी नज़र तुझे नाकाम और ना मुराद ही वापस लौटती नज़र आएगी। तो इस वक्त हम बहुत ही हसीन बिरजीन, बहुत ही हसीन वादी बिरजीन को क्रॉस कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान, क्या कहने क्या बात है। रोड की अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आगे तक आखिर तक शाह सदीम तक जो लोकल जापानीज गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं, मतलब वो रुकी हुई नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आप समझें रोड नहीं है, रोड इस तरह से कच्चा रोड है, कारें आ रही हैं, आपकी कार भी आ सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको करना ये होगा कि बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी आसानी के साथ एहतियात के साथ लेके आने की। आप एहतियात के साथ यहाँ पे अगर अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो गाड़ी को आना चाहिए, उम्मीद है आ भी जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। मतलब मैं अगर अपनी कार पे आऊँ तो मैं तो यहाँ पे ले आऊँगा, आराम से आ जाएगी। बस एक दो जगह हैं वहाँ पे एहतियात से गुजार लें, पानी का कोई नाला नहीं है जिससे आपको एहतियात करनी पड़े। तो दूसरा ये है कि रोड आगे कोई नहीं, कच्चा है, इसी तरह का ट्रैक, उसी कच्चे पे ही आपने आना है जितनी देर आना है। बाकी ये जो है अपना ये गांव, इसके आगे फिर जैसे हम क्रॉस करेंगे तो आगे गबोर वैली शुरू हो जाएगी। गबोर इस वक्त हम पहुँचे हैं जी गबोर वैली में। गबोर ये है सारी गबोर वैली, इस साइड पे भी वो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है उधर तक ये सारी गबोर वैली है, वादी एक गबोर। अल्लाह गबोर के बाद फिर आएगा आगे शाह सलीम, और शाह सलीम के बाद फिर आएगा शफाफ हो गया जी पानी का शाह सलीम के बाद दोहा पास। अल्लाह आउट ऑफ फोकस ही हो जाता है कैमरा जनाब सर में लग। वेलकम टू गबोर वैली, GOBOR गबोर, वो ऊपर पहाड़ है उसके उस तरफ भी अफगानिस्तान है, और ये इधर वाला जो पहाड़ आपको आगे नजर आ रहा है उसके उस तरफ भी अफगानिस्तान है। यहाँ से अफगानिस्तान आगे थोड़ा ही रह गया। ये लें ये पानी के अंदर से जो है हमारी बाइक जो है आगे अगर आप गौर करें तो वहाँ से आपको वो पानी उतरता हुआ नीचे नज़र आ रहा है, वो बेसिकली एक पावर हाउस है उधर, उससे पानी वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है, तो जो उसका ओवरफ्लो है वो इधर को आ रहा है पानी का, और एक अच्छी खासी आबशार बनी हुई गबोर आबशार। यहाँ पे आके चढ़ाई थोड़ी सी स्टीप थी तो हमारी बाइक को अच्छा खासा पता चला है कि जी भाईजान ऐसे भी आम भी बात नहीं है, आपने ज़ोर लगा के चढ़ना है। तो वो पॉइंट हमारा गुजर गया, आप यहाँ पे वैली का मज़ा लें ज़रा। खूबसूरत सा दरिया नीचे बह रहा है, शोर ऐसे आंखों में पड़ रहा है, कानों में पड़ रहा है, समातों से टकरा रहा है, और एक वसी और इस मैदान है ऊपर की जानेब से, यहाँ से ना देखें आप स्टीप होता जा रहा है। ये देखें ये भाई साहब जो हैं इनकी बाइक ने क्या जवाब देना था, इनकी टांगे जवाब दे गई हैं कि इनसे गाड़ी पकड़ी नहीं जा सकी। थोड़ा सा चल के ये स्टीप है, चलो 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 अभी ठहर जाओ, वो ठहर जाओ
अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? क्या लगाया हुआ? गंदम? गंदम बीजी हुई है? ये पानी लगाया हुआ है जिधर बुजुर्गों ने अपनी, वो ठहर जा। ये देखिए छोटी सी नाली बना के पानी लगाया हुआ है। ओए मां, ये बाइक आएगी जी, अभी देख लें। इधर से थोड़ा जोर लगता है बाइक का, जैसे परसान वैली जाते हुए जोर लगता है। वीडियो मैंने बनाई है, चैनल पर रखी है। हम दो बंदे हैं, बाइक भी कहेगी थोड़ा रेस्ट करनी है। अरे अरे वाह, ये हमारी बाइक है जी। कितना चल के आइए? छोटा मीटर, छोटा मीटर तकरीबन ये 70 किलोमीटर चल के आइए। 70 किलोमीटर चल के आई। ओके, चित्राल से तो दौरा पास है जी, यहाँ से 84 किलोमीटर। 70 चल के आ गई है तो फिर तो 15 हमारे रहते हैं। ऐसे पूरे प्रोग्राम है भाई जान। ये दरिया भी फिर दोबारा यहाँ से साथ आ जाएगा, गबोर वैली। ये सारी पीछे गबोर है, मैंने आपको ड्रोन के थ्रू भी दिखाई है। तो अभी वापसी आएंगे इंशाल्लाह, यहाँ से दोबारा से जो है वो ड्रोन छोड़ेंगे। ये देखिए ये दरिया फिर आपके साथ आएगा। ये ऐसे ही है एग्जैक्ट, यहाँ से जैसे सूक वैली है, अगर आपने सूक स्कर्दू देखा है तो एग्जैक्टली वही वाला हिसाब है। सूक वैली स्कर्दू वाला सीन है, वहाँ पे भी दरिया बिल्कुल इसी तरह साथ है। यहाँ पे अगर ये रोड बनी हुई हो ना तो यकीन करें यही सूक है। इतहाई खूबसूरत ग्रीन लश, और जंगल भी, पहाड़ भी, दरिया भी, ठीक है, और कहीं कहीं छोटा छोटा सहरा भी, तो सारी चीज़ें यहाँ पे कंबाइंड है। मसला है सिर्फ कि लोग इधर गबोर आते नहीं हैं, बिकॉज रूट नहीं है, कोई वीडियो नहीं है यूट्यूब के ऊपर, और फैसिलिटीज़ नहीं है। फैसिलिटीज़ तो खैर इस तरह की हैं कि लोग इतने अच्छे हैं। हम वहाँ पे रास्ते में मैं चेंज करने के लिए रुका तो उन्होंने कहा कि जी आप हमारे से चाय पी के जाएँ, तो चाय खाना ये ऑफ़र तो आपको यहाँ पर मिलती रहती है। और ये आगे देखें खूबसूरत, मुझे स्कूल लग रहा है या जमात खाना, दोनों में से एक होगा। इधर हम जाएंगे, ये चेक पोस्ट है गबोर वाली, ठीक है। अभी देखते हैं इससे आगे ये छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते। गबोर वैली, गबोर वैली, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा नज़ारा। वाह वाह, क्या कहना। हाँ ये तो फौजी है, ये तो नहीं छोड़ेंगे यहाँ से आगे, लग तो ऐसे ही रहा है। वो फौजी है मेरे ख्याल में, इस चेक पोस्ट से आगे नहीं छोड़ेंगे। हाँ नहीं, वीडियो अलाउ नहीं होगी, वहाँ तक बनाएंगे, आगे जब उनका आएगा सिलसिला तो उनसे फिर मना कर लेंगे। यहाँ पे बैठना है भाई जान, इधर बैठना। ओ यस, चले 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 वापसी पे, वापसी। बहुत ही खूबसूरत ये देखिए दरिया साथ साथ और नज़ारे, क्या क्या जानवर के साथ जो जुल्म है वो ये आपको दिखा दूँ। ये उधर से इसको किले के साथ बांधा हुआ है, उस किले के साथ बांध के अब ये जो था ना इसके साथ इसने दो तीन ये गिरें डाल ली हैं खुद से ऊपर घूम घूम के ना। अभी ये बेचारी घूम फिर के चर नहीं सकती। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जो है ना मैं इधर से थोड़ा खोल दूँ। आ जाओ ए बचिया, ये देखें जी इसके साथ ये खोल दे उतों दी कट दे। ये आ गया इतने, इधर मैं पैर रखना ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਸੇ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਪੂਰੀ ਤੋੜ ਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੈ। ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਰ। ਚੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰਾ ਬਲਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰ। ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਤੂੰ ਇੰਜ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਬਾਬਾ। घूम फिर अब ये देखें जी, अब ये इजी होगी। पहले वहां पे खड़ी होके खा पी रही थी ना, तो इसको सामने चलो जी। हाँ जी, अब ये इजी हो गई है, आप घूमे फिरे। ये देखें, ये आ गया जी हमारा दरिया। इस दरिया के ऊपर लकी लकी, इधर मोबाइल अपना फेंकी, वहां से मोबाइल फेंकना, मैं कैच करके तेरी वीडियो बनाऊं।
अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, ये देखिए इधर से तो हम आ गए, अब यहाँ से जाना मुश्किल काम है। ये पानी इतना ठंडा है ना जी। आए जी लकी साहब, वो देखिए मकामी बंदा है, वो आएगा। आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं। क्यों है मैं ना थल्ले थल्ले ते आना ना पा इजी, बिल्कुल इजी, मसला ही नहीं है। कुछ भी नहीं होता। ये ले, ये आ गए गुजर के। अब लकी की बारी है जी। चल भाई लकी कमेटी आ जा। इनी गल सी। चलो जी, एक और दरिया का सामना था मुझे मुनीर, जब मैं एक दरिया के पार उतरा। चलें जी। आए हाय हाय हाय, ये दरिया आ गया जी, अगला क्रॉस हो गया। अब वहां से क्रॉस करना, वो जगह बनी हुई। लेंज ये आ गए। लकी भाई आ जाएं। क्यों, यहां पे यकीनन जूतों में पानी जाएगा। आओ जी, ये वाला। हाँ ये वाला, ये रास्ता नूरिस्तान को जाता है। जो ये दरा जो जाता है ना, हाँ ये ना, आप सुबह जब निकलेंगे तो शाम को आप नूरिस्तान पहुंच जाएगा। अच्छा, नूरिस्तान और गोपोर वालों का आपस में रिश्ते हैं, रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी तो आते जाते हैं, आते जाते हैं। और ये बाउंड्री है, आखिरी बाउंड्री इसका। नहीं, कौन से वाला पहाड़, ये पहले वाला पहाड़ या पिछला? पीछे वाले पहाड़, पीछे, उससे पीछे वाला पहाड़। सारा दिन लगेगा, 12 घंटे में पहुंचेंगे। ये अफगानिस्तान का रियासत है, ठीक है। अच्छा, नूरिस्तान एक रियासत है, वैसे अफगानिस्तान का हिस्सा। अच्छा ठीक है, ये सीधा आप जो जाते हैं, जो ये वाली साइड नजर, इधर आके आप निकालेंगे। हाँ, ये जो दुरह पास आपने सुना है? हाँ दुरह। हाँ, ये दुरह पास है, इसका पाकिस्तान के हुकूमत ने कई बार सर्वे किया है, यान से और सेंट्रल एशिया से टच करने के लिए। अच्छा। हाँ, ये दुरह पास है, ये सामने जो ऊपर पहाड़ नजर आ रहा है, ऊपर जो पहाड़ नजर है वो है गोबोर का आखिरी वैली, उसका नाम शाहसलीम है। शाहसलीम आखिरी गांव जो है, बिल्कुल ठीक है, शाहसलीम है, ठीक है। वो आखिरी गांव ने पाकिस्तान का, इधर से एक तालाब है, बड़ा सा तालाब, तकरीबन शाहसलीम से 5-6 घंटे आगे जाके वो बाउंड्री है। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। हाँ वाह, तो इधर सर्वे किया हुआ है कि इधर से रास्ता निकलता है। हाँ, इधर से रास्ता निकलता है, सी पैक का। सी पैक का वो कई बार उन्होंने हुकूमत ने सर्वे किया, मगर काम काम नहीं होता। और यहाँ से आप जाओगे ना, उधर एक साइड पे अफगानिस्तान है और दूसरे साइड पे ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान। जब भी वो उस साइड पे पहुंच जाओगे ना, एक पुल आता है। हाँ, इस साइड पे जाओगे अफगानिस्तान है। हाँ, उस साइड पे पुल क्रॉस करोगे ताजिकिस्तान का वो। तो आप लोग आते जाते हैं? नहीं नहीं, हम वैसे नहीं जाते, लोग हमें बताते हैं। ताजिक आते जाते हैं? ताजिक नहीं, वो अफगानिस्तान के लोग जो आते थे वो आते जाते हैं। ताजिक नहीं आते, अभी बाउंड्रिया सील की है ना। अच्छा, तालिबान 10-12 साल पहले यहाँ माल मवेशी आते थे, अफगानिस्तान से लोग यहाँ आते थे, कारोबार वगैरह तिजरत मामला होते थे। अच्छा, अब नहीं है? अब नहीं। अल्लाह, नहीं यहाँ से रास्ता वाकई निकलना चाहिए आपकी बात से। इधर के लिए बाद में उधर जाए तो उनको खतरा है? जो भी वहां से आते हैं आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।